किसानों के सम्मान में इंदौर के महू में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली, जहां किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया गया। इंदौर के महू में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में व काले कानून के विरोध में न्याय यात्रा निकालकर अपनी ताकत दिखाई। महू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है और वो अपने आप को किसान हितेशी कहती है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करनी और कथनी में कितना फर्क है ये प्रदेश की जनता जानती है। उन्होंने कहा कि अगर शिवराज सरकार किसान हितेशी होती तो कांग्रेस को वो समय याद है जब मंदसौर में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं पर शिवराज मामा ने गोलियां चलवाकर प्रदेश में बखेड़ा खड़ा कर दिया था। इधर देपालपुर के विधायक विशाल पटेल ने कहा कि केंद्र से लेकर प्रदेश तक सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी हो गई है, जिसकी वजह से कृषि काले कानून लागू कर दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि 70 साल कांग्रेस ने पूरे देश में राज किया, किंतु किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी और ना ही कांग्रेस ने उनके खिलाफ कभी कानून लागू किया है, लेकिन सरकार आज किसानों को बेमौत मारने में तुली हुई है। पटेल ने कहा कि हम ऐसी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज आपको मालूम होगा, आज गणतंत्र दिवस है और बाबा साहेब का आज जिन्होंने ये संविधान रचा था आज उस रूप में यह मनाया जाता है। आज आपको पता होगा 72 साल में पहली बार हम सबको यह लगने लगा है कि हमारा देश का संविधान खतरे में है, देश का किसान खतरे में, इसीलिए हमने ये यात्रा निकाल रहे हैं। और इस यात्रा का उपदेश भी यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करें और जिस तरह से ये हिंदू मुसलमान करके भ्रम फैला रहे हैं उसको सबको भाईचारा बनाए रखे, इसीलिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। कितने दिन की यह यात्रा महू में शहर में अभी एक दिन की रहेगी। यह महू शहर घूमेगी, उसके बाद घरसोला, दतोदा, मेहमदी और सिमरोल में समापन होएगा। इसके बाद यह यात्रा 11 दिन की यात्रा है ये, और ये इसका समापन राजीव गांधी चौराहे पर होएगा। गणतंत्र दिवस की सब देशवासियों को बधाई। हमारे अन्नदाता पिछले 60 दिन से अधिक दिनों से रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं, परिवार समेत औरतें बच्चे सब संघर्ष कर रहे हैं इस काले कानून के खिलाफ, इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ। 70 से ज्यादा शहादत हो चुकी है और ऐसे कानून पर को रोकने के लिए अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। युवक कांग्रेस अपना कर्तव्य समझकर अपने अन्नदाताओं के सम्मान में आज रोडों पर है और एक न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिससे किसानों के बीच में जाकर इस बिल को समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे किसान विरोधी है नरेंद्र मोदी, और आपके साथ इस आंदोलन को और ताकत मिले, किसानों का समर्थन मिले, मध्य प्रदेश के किसान भी इस आंदोलन में को जन आंदोलन बना दें और इस सरकार को उखाड़ फेंकें, ऐसे कानून को वापस लेने पर उसके घुटने टिक जाएं, इसकी एक कोशिश में ग्रामीण युवक कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष दौलत पटेल जी न्याय यात्रा लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और वहां पे किसानों को इस बिल के बारे में, इस कानून के बारे में अवगत कराएंगे। महू से मोना पटेल के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।